भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप करेंगे 9.25 करोड़ के बोरली सिंह रोड का उद्घाटन। सगड़ाहा में डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह की अध्यक्षता भी करेंगे सांसद कश्यप। कांग्रेस विधायक ने उद्घाटन समारोह के लिए निमंत्रण न मिलने तथा बस का प्रावधान न होने के लिए जताया रोष। आम आदमी पार्टी के मंडल महासचिव तथा पंचायत उप प्रधान ने किया विधायक विनय कुमार के बयान का समर्थन। लोक निर्माण विभाग मंडल सगड़ाहा के अंतर्गत करीब 8.78 करोड़ की लागत से बने बोरली सिंह मार्ग का उद्घाटन कल गुरुवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप द्वारा किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता संगड़ा रतन शर्मा ने बताया कि उद्घाटन की तैयारियां पूरी की जा चुकी है और गत 7 जनवरी को SDM संगड़ा की अध्यक्षता वाली रोड फिटनेस कमेटी द्वारा इस सड़क को बस के लिए पास किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बने इस मार्ग को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है और कांग्रेस विधायक विनय कुमार ने इस सड़क के उद्घाटन समारोह के लिए उन्हें निमंत्रण न मिलने तथा सड़क पर बस के प्रावधान न किए जाने के लिए सरकार के प्रति रोष जताया। उन्होंने कहा कि इस सड़क का निर्माण कार्य कांग्रेस के नेतृत्व वाली पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ था और इसमें अभी भी कई खामियां हैं। आम आदमी पार्टी के मंडल सचिव सुरेंद्र कांड तथा पंचायत उप प्रधान सतपाल दोमर उद्घाटन के दौरान ही इस सड़क पर बस का प्रावधान न किए जाने के लिए सरकार व संबंधित विभागों के प्रति नाराजगी जताई और विधायक विनय कुमार के बयान का समर्थन किया। उधर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रताप तोमर ने कहा कि बोरली सिंह मार्ग पर बस के प्रावधान के लिए संबंधित अधिकारियों तथा आला नेताओं से बात हो चुकी है और जल्द सरकारी बस के साथ साथ यहां प्राइवेट रूट भी स्वीकृत करवाने के प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि सगड़ाहा में सुबह करीब 11 बजे से 3:30 बजे तक खड़ी रहने वाली लोकल बस अथवा किसी अन्य बस को नए रूट पर चलाए जाने के प्रयास जारी है। गौरतलब है कि रेणुकाजी बांध के डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सबसे बड़े गांव सिंह के विस्थापित होने वाले किसानों को अब तक 100 करोड़ से अधिक का मुआवजा जारी हो चुका है और इस गांव के लिए एक अन्य मगवा सिंह नामक करीब 8 करोड़ की सड़क भी तैयार हो चुकी है। नियमानुसार क्योंकि डूब क्षेत्र में बस नहीं चल सकती इसलिए साथ लगते गाँव लगनू की खर्चा बस्ती तक ही सड़क पर बस चलाई जाएगी। इस दौरान सांसद सुरेश कश्यप सगड़ाहा में खांडसारी डॉक्टर अम्बेडकर जयंती समारोह की अध्यक्षता भी करेंगे और उपमंडल में एक ही दिन में कुल आधा दर्जन के करीब अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेंगे। देखिए ऐसा है कि मैं बार बार सरकार को अवगत करा रहा हूँ, जो सिरमौर ज़िला की सड़कें हैं उनकी हालत ठीक नहीं है और हो ये रहा है कि आज की डेट में सड़कों पे गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में सड़कें हैं और बहुत बुरे हाल है। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ तो सड़कों के बेहाल है। कल आने वाले कल में माननीय सांसद सुरेश कश्यप जी हमारे चुनाव क्षेत्र आ रहे हैं और इस बारे में मुझे अवगत नहीं कराया गया, मुझे कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया गया ना मुझे न्योता दिया गया। और जिस सड़क का उद्घाटन करने जा रहे हैं बोरली से सिंह सड़क, उस सड़क के लिए हमारी सरकार के दौरान 8.5 करोड़ पे सैंक्शन हुआ था और मैंने ही उसका शिलान्यास किया था। आज की डेट में कुछ सड़क बन के तैयार हो गई है पर अभी भी उसमें बहुत सारी खामियां हैं, जैसे ड्रेन नहीं बनी हुई है, कलवर्ट नहीं है और बीच में कुछ किलोमीटर की टारिंग नहीं हुई है, इस प्रकार की खामियां हैं। और फिर भी माननीय सांसद जी उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, ना तो उसके लिए बस का कोई प्रावधान किया गया। तो मैं सीधे सीधे आरोप लगाता हूं कि ये हमारी जनता से छल किया जा रहा है और मैं इस का विरोध करता हूं, पुरजोर विरोध करता हूं। और आज भी मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी भी आप जाग जाओ। सड़क का माननीय सांसद सुरेश कश्यप जी द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है। यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी हुई है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने हमारे एक डूब क्षेत्र के गांव को ये सड़क दी है। और मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि भारी संख्या में वहां पर लोग आएं और कश्यप जी का स्वागत करें। एक दूसरी सड़क हमारी जो कि नवाड़ के तहत बनी हुई है सिंह मगवा के नाम से, उसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा और सुरेश कश्यप जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। माननीय सांसद श्री सुरेश कश्यप जी के द्वारा बोरली से सिंह जो सड़क बनी है उसके उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। इस सड़क की लंबाई 12 किलोमीटर है। यह सड़क कांग्रेस सरकार के वक्त में 8.5 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण किया गया है, लेकिन आज सड़क का जो हालात है वो बहुत ही दयनीय और खस्ता हालात है। मैं अपील करता हूँ माननीय सांसद महोदय जी से कि आप उद्घाटन करने से पहले सड़क का जायजा लें, सड़क के हालात को देखें कि इसमें विभाग ने किस तरह की अनदेखी की है।
और किस तरह पैसे का दुरुपयोग किया गया है। जब आप उद्घाटन कर रहे हैं तो तुरंत दूसरे दिन से इसके ऊपर परमानेंट बस चलनी चाहिए ताकि लोगों को, गरीब जनता को फायदा मिल सके।